मंगलवार के दिन विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर डिंडोरी कलेक्ट्रेट से जागरूकता रैली निकाली गई। आयोजित रैली में अधिकारी, कर्मचारी और बच्चे शामिल रहे। बता दें कि तंबाकू और धूम्रपान के दुष्परिणामों को देखते हुए WHO के सदस्य देशों ने इसके लिए एक प्रस्ताव रखा है, जिसके बाद हर साल 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। डिंडोरी में 31 मई को प्रतिवर्षानुसार धूम्रपान निषेध दिवस मनाते हुए डिंडोरी कलेक्टर जागरूकता रैली निकाली गई। युवाओं में बढ़ते नशे के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। रैली कलेक्ट्रेट से होते हुए पुरानी डिंडोरी तिराहा पहुंची। लोगों को नशे से दूर रहने के लिए रैली के माध्यम से जागरूक किया गया और नशा ना करने की शपथ दिलाई गई। वहीं पुलिस नियंत्रण कक्ष डिंडोरी में पुलिस अधीक्षक डिंडोरी ने जिले के पुलिस जवानों को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई। यह 31 मई को प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और तंबाकू उत्पादों से होने वाले दुष्प्रभाव और उसकी विभीषिका, इसको आमजन तक पहुंचाने की दृष्टि से इस दिवस को मनाया जाता है तथा साथ ही इस दिन शपथ भी ली जाती है कि वे हम तंबाकू उत्पादों का उपयोग नहीं करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी संबंध में समुचित समझाइश देंगे। तंबाकू के उपयोग से पर्यावरण को भी नुकसान होता है, तो इस दृष्टि से यह बहुत अच्छा एक कदम है और अधिक से अधिक लोगों को इससे पालन करना चाहिए कि तंबाकू स्वास्थ्य की दृष्टि से सभी लोगों के लिए, चाहे वह गर्भावस्था हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सभी के लिए अत्यंत हानिकारक है। तो इस दिवस की उपयोगिता की सार्थकता इसी में है कि सभी लोग इस दिवस पे तंबाकू के उपयोग से लोगों को होने वाले नुकसानों के बारे में अधिक से अधिक समझाएं। जी हाँ, प्रारंभ हमने एक जागरूकता रैली निकाली और आज हमारे यहाँ पे इसका एक प्रशिक्षण सत्र भी इस विषय के ऊपर रखा गया है, जिसमें सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारी भाग लेंगे। डिंडोरी से राजेंद्र तंतवाई की रिपोर्ट।